हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजो का डाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 1412 3.3 लीटर इंजन जिसे बोलते हैं, उसके ईसीएम वायरिंग डायग्राम के ऊपर। आज हम जो इश्यू में हमारा करंट किस किस प्रकार आता है, कभी ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अब कन्फ्यूज़न होता है कि इश्यू में पूरा करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कभी हमारे कोई वायरिंग में प्रॉब्लम हो गई हो, तो इश्यू में हमें वायरिंग को चेक करने का क्या तरीका है कि किस किस प्रकार से वायरिंग घूम के और इसमें जो करंट जाता है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हमने ये इस सर्किट में जो जो चीज़ें हमारे वायरिंग घूमेगी उसका हमने ये बना लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा इशू हो गया, और ये जो आप फ्यूज देखने को मिल रहे हैं, अगर हम फ्यूज बॉक्स कवर के ऊपर देखेंगे तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, ECM1 और ECM2। तो ये दो और फ्यूज हो गए हैं। फ्यूज बॉक्स के कवर के ऊपर ही आपको ईसीएम रिले देखने को मिल जाएगी, और फ्यूज बॉक्स के जो हमारे फ्यूज बॉक्स होता है वहीं पे ही आपको ईसीएम रिले का फ्यूज देखने को मिलेगा, और एक और फ्यूज देखने को मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको सेंसर एक्चुएटर मैट्रिक यूनिट और ई विस्कस। मतलब हमारे इस जो फ्यूज है इसी से हमारे इन तीनों में सप्लाई जाएगी। और अगर आपने हमारी दो दिन पहले की वीडियो अगर देखी हो तो जिसमें हमने इसी गाड़ी का स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम बताया था कि हमारे अगर सेल्फ स्टार्टर मोटर का वायरिंग का डायग्राम क्या होता है, उसमें जो हमारा न्यूट्रल स्विच था वहाँ से इसी फ्यूज में से ही हमारा सेंसर एक्चुएटर हमने बताया था, इसी फ्यूज में से हमारे न्यूट्रल में भी करंट जाता है, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है सेंसर और एक्चुएटर, यानी कहीं भी सेंसर के लिए वोल्टेज जाएगी, एक्चुएटर के लिए जाएगी, और हमारे मैट्रिक यूनिट के लिए, ई विस्कस के लिए, सारा जो भी कनेक्शन होगा इसी फ्यूज में से जाएगा। ये बड़ा फ्यूज होता है, इसमें से अलग 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 जो जो वायर जाएगा, लेकिन इस फ्यूज के अंदर जो सप्लाई आएगी वो किस प्रकार आएगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए एक बार डायग्राम पर बात कर लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद में फिर हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि इसको चेक करने का शॉर्ट रास्ता क्या है, कि कैसे हम जल्द से जल्द इस डायग्राम को समझ के किस प्रकार हम गाड़ी को जल्दी ठीक कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। बेसिकली हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है रिले क्या होता है और रिले का काम क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। अक्सर हमारी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि हमें या तो 4 पिन वाली रिले देखने को मिलती है या 5 पिन वाली रिले देखने को मिलती है। तो जो हमारी ये ECM की रिले है ये 5 पिन की होती है, जो हमारी 4 पिन की रिले होती है हम एक बार मेंशन कर लेते हैं। एक तो हमारी 30 नंबर की होती है, दूसरी पिन हमारी 87 की होती है, तीसरी पिन हमारी होती है 86 की और 85 की। जो 5 पिन वाली होती है इसके अंदर हमारा जो ये 87 है उसके ऊपर आपको 87A लिखा हुआ दिखाई देगा। तो हमारी ये जो रिले है ये 5 पिन की रिले है जिसके अंदर हमारी 5वीं पिन ये होगी। तो इसके एक बार हम नंबर लिख लेते हैं, हमारी यहाँ पर आएगी 87 नंबर आएगा, ये हमारा रिले का 85 नंबर हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर रिले का 86 नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम रिले का 87A लिख लेते हैं, और ये हमारा 30 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिले की 5 पिनें हो गई हैं, क्योंकि सारा करंट हमारा रिले की सप्लाई में से ही जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले यहीं से ही डायग्राम को चालू करेंगे, स्टेप बाय समझेंगे। तो चलिए इसके ये देखते हैं चारों पिन जो वायर हैं हमारी कहां कहां से किस किस प्रकार आएगी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारी कोई सी भी रिले हो उसके 85 नंबर पर हमेशा अर्थ आएगा, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 86 पे इस रिले को एक्टिव करने के लिए करंट आएगा, जो 30 नंबर होता है ये हमारा हमेशा बैटरी की सप्लाई ही आएगी, और जो हमारा 87 नंबर होता है ये रिले का हमारा आउटपुट है, यानी जो रिले में से करंट निकलेगा कहीं भी जाए वो, तो ये होगा ये 87A और 87A, तो ये दोनों हमारे रिले के
आउटपुट हो गए, जिस भी चीज में जाना होगा वो जाएगा। तो चलिए देखते हैं करण कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो ये इशू की रिले है इसके 85 नंबर पिन पे जाया अर्थ जो आएगा वो हमारे सीधे इशू से आएगा। इशू की ये आएगा 19 नंबर पिन से, ठीक है। 19 नंबर पिन से जो अर्थ जाएगा हमारा रिले के लिए, रिले को काम करने के लिए जो हमारा अर्थ और मेन चाहिए, हमारा जो अर्थ आएगा वो हमारे इशू के 19 नंबर पिन से आएगा। और इसमें अर्थ कहाँ से आएगा, ये हमारा जो इसके अंदर इशू के अंदर जो हमारा बॉडी का अर्थ जाएगा, जो जाएगा 2, 4, 2, 4 और 6 नंबर पिन के ऊपर, ठीक है ना। इसी में से अंदर ही अंदर इशू इसमें अर्थ देगा जो यहाँ जाएगा, और रिले को काम करने के लिए जो हमारा 85 नंबर है अर्थ वहाँ पर जाएगा। और जो ये हमारा 86 नंबर है इसमें हमारा जो करंट आएगा वो हमारे ईसीएम रिले से आएगा। तो ये हमारे ईसीएम का रिले क्या हो गया, ये हमारा वोल्टेज का वायर हो गया। ठीक है। और जो हमारा बैटरी की सप्लाई होगी सभी जानते ही हैं, वो हमारा कहाँ से आएगा, 30 नंबर पे आएगा, और वो आएगा बैटरी के पास में, या हमने लिखा हुआ बैटरी के पास में जो फ्यूज होता है वहाँ से आएगा। और फ्यूज में करंट जो आएगा वो हमारा बैटरी से आएगा। तो ये करंट कुछ इस प्रकार चलेगा। तो अगर आप इशू की, अब थोड़ा सा गौर से देखने वाली बात है, अगर आप ईसीएम के 30 नंबर पिन पे आप चेक करेंगे तो आपको कितनी सप्लाई देखने को मिलेगी, इस वायर में अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको 12 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। और दूसरा 12 वोल्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जो हमारे ईसीएम रिले से फ्यूज में से आ रहा है 86 नंबर पे, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये दो तो हो गए हमारे इनपुट, ये अर्थ हो गया, और ये हमारा मेन वो करंट का हो गया, ये तो हो गया रिले को एक्टिव करने के लिए। और बैटरी से जो हमारा मेन मोटा वायर आया है, जैसी रिले एक्टिव होगी ये जो 30 नंबर का हमारी सप्लाई है ये इधर और इधर सप्लाई कर देगी। जैसी रिले एक्टिव होगी और यह इशू के अंदर ही अंदर अंदर हमारा करंट इधर भी हो जाएगा, और अंदर ही अंदर हमारा करंट इधर भी चला जाएगा। जहाँ से जो हमारा 87 नंबर पिन से जो वायर निकलेगा, यहाँ से एक ही वायर आएगा हमारा, और ये हमारा फ्यूज में चला जाएगा यहाँ से इस प्रकार। तो फ्यूज का नाम क्या होगा हमारा, ईसीएम वन रिले और ईसीएम टू, सॉरी रिले बोल दिया, ये फ्यूज है, ईसीएम वन लिखा होगा, ईसीएम टू लिखा हुआ होगा। तो ये दो हमें फ्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो ये वोल्टेज कुछ इस प्रकार से चलेगा, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से करंट किस साइड में जा रहा है। तो जो हमारा ये फ्यूज है ईसीएम टू जिस पर लिखा होगा, यहाँ से एक वायर हमारा निकलेगा जो सीधा ईसीएम में जाएगा, ईसीयू के दो पिनों में ये वायर जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा सीधा ईसीयू में ही जाएगा, एक पिन हमारी ये होगी। तो इस इशू से इस प्रकार से इसके अंदर वो फ्यूज से इस प्रकार से इनमें करंट जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा इशू के तीन पिनों में, दो पिन है, तो हमारे जो फ्यूज होगा वो ईसीएम टू से जाएगा, और एक हमारे इशू में जाएगा ईसीएम वन से जाएगा। इसमें जो हमारी पिन नंबर होगी इशू के ऊपर, वो पिन नंबर होगा हमारा, ये हमारा एक नंबर है, ये हमारा तीन नंबर है, और ये हमारा पांच नंबर है। तो इस प्रकार से ये पिनों पे हमारा 24 वोल्ट सप्लाई जाएगी। और जो हमारा रिले पे ये 87 का जो पिन नंबर है, ये भी हमारा सीधा इस फ्यूज के ऊपर आएगा, यह हमारा इस फ्यूज में आ जाएगा।
तो जैसे ही हमारे रिले एक्टिव हो गया, हमारे इशू को भी करंट मिल गया और इस फ्यूज को भी करंट मिल गया इसी रिले से। ये जो करंट घूम के आया हमारा, इसने 30 नंबर से इशू में भी चला गया और हमारे यहाँ भी आ गया। ये फ्यूज बड़ा होगा लगभग इस प्रकार से, अगर देखेंगे ना तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये वायर जो हमारा यहाँ से आएगा वो सब में जाएगा, इस प्रकार से सब में जाएगा, और ये हमारे फ्यूज हो गए हैं अलग अलग, और जहाँ से हमारे फैन में भी गया, एक्चुएटर में भी गया, ये गया, इस प्रकार से हमारा फ्यूज, ये वायर है सब में लंबा ही फ्यूज होगा, ये आपको सारी जगह से यहीं से सप्लाई ली हुई मिल जाएगी। तो चलिए, ये तो डायग्राम हो गया है, कोई खास ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और हम थोड़ा सा इसके ऊपर और चर्चा कर लेते हैं कि अगर हमारे इशू में सप्लाई नहीं जाएगी तो हमें किस प्रकार से इसे चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, अक्सर हम गलती क्या करते हैं, जब भी हमें कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी या इशू के ऊपर हमें सप्लाई देखनी पड़ती है, तो अक्सर हम गलती क्या कर लेते हैं, गलती ये करते हैं कि हमने इशू का ये कपलर हटाया, ठीक है। गौर से चीज़ को सुनना, इशू का हमने ये कपलर हटाया, मान लीजिए ये हमने कपलर हटा लिया, ठीक है, तो ये हमारा पूरा कपलर बाहर आ गया। अब अक्सर आदमी क्या करते हैं, यहाँ पर 1, 3 और 5 पे वोल्टेज चेक करेंगे और उन्हें वोल्टेज नहीं मिलती और वो यहीं पर भटकते रह जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, देखिए यहाँ पर करंट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है फ्यूज से, फ्यूज से कहाँ आ रहा है, रिले पे, और रिले को एक्टिव करने के लिए जो अर्थ चाहिए वो कहाँ से आ रहा है, हमारे इशू से आ रहा है। जैसे आपने ये कपलर हटाया, हमारा ये अर्थ भी कट गया, ठीक है। बेशक हमारे रिले के 86 नंबर पे वोल्टेज जा रहा है, लेकिन जैसे आपने ये कपलर हटाया, हमारा अर्थ ख़त्म हो गया, अर्थ ख़त्म हुआ तो रिले ने काम करना बंद कर दिया, रिले ने काम करना बंद करा तो ये जो हमारी सप्लाई है 30 नंबर वाली, रिले बंद हो गई, उसने यहाँ सप्लाई ही बंद कर दी, यहाँ से सप्लाई बंद हो गई, तो आपको यहाँ पर करंट देखने को मिलेगा ही नहीं, समझ गए ना। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर करंट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम ये चीज़ कैसे देखें कि हमारा यहाँ पर वोल्टेज आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम कपलर लगाएंगे तभी हमारा ये अर्थ चलेगा और ये करंट आएगा। तो उस कंडीशन में सीधा सा वो है, आप कपलर को खोल लीजिए और जहाँ पर मल्टीमीटर की एक पिन जहाँ लगा लीजिए और इशू रिले पे चले जाइए और 87 नंबर से आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमारा फ्यूज भी सही है और हमारी वायर भी कहीं टूटी हुई नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा आपका। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो आप फ्यूज चेक करिए, या इस वायर को चेक करिए कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद ये चीज़ चेक कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, 19 नंबर से हम हमारे रिले के 81 नंबर पिन की भी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो सीधी सी बात है, हमारा ये वायर सही है, फिर हम इस कपलर को रिटर्न लगा देंगे, क्योंकि हम इन वायरों को तो चेक कर चुके हैं, हमारी ये वायर प्रॉपर है, कंटिन्यूटी आ रही है तो मतलब हमारी वायर सही है। उसके बाद हमें क्या चीज़ चेक करना है, हमें 86 नंबर के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेनी है कि हमारे इस जो रिले का फ्यूज है जिस पे आपको ECM रिले लिखा होगा, इसकी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, और हमारे 30 नंबर पे ही सप्लाई चेक कर लेनी है। बस आपको यहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिल जाएगी, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो समझने वाली चीज़ है यही समझने वाली है। अगर आप कपलर हटा के यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कपलर हटाते हमारा 19 नंबर से अर्थ ख़त्म हो जाएगा और हमारे रिले काम करने बंद कर देगी। तो कभी भी आपको चेक करना हो, या तो आप फ्यूज के ऊपर करंट चेक कर लीजिए या फिर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। इस प्रकार से ही आप चेक कर सकते हैं कि हाँ, हमारा ये रिले वगैरह ये चीज़ें जो वायरिंग है, इस प्रकार से ही चेक करना पड़ेगा कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए, कपलर हटा के वोल्टेज नहीं आएगा इस गाड़ी के अंदर। चलिए हम पास चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम
इसके वायरिंग डायग्राम तो अच्छी तरह समझ चुके हैं, अब हम इनके जो वायरिंग के कलर है एक बार उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ये ईसुस है 19 नंबर, हमारी ईसीएम रिले के 85 नंबर पिन के ऊपर जो अर्थ जाएगा वो हमारा होगा ऑरेंज के ऊपर सफ़ेद, और ये तार जो हमारा है ये हमारा अर्थ का तार होगा। ठीक है, ये हमारा अर्थ का तार हो गया, आपको ऑरेंज पे सफ़ेद कलर देखने को मिलेगा। जो हमारा बैटरी से हमारे ईसीएम रिले के 30 नंबर पे आएगा वो आपको लाल पे पीला कलर देखने को मिलेगा। जो हमारा ईसीएम से ये दोनों फ्यूज में आए सॉरी ईसीएम रिले से जो हमारे दोनों फ्यूज में आएगा वो भी आपको लाल के ऊपर पीला कलर देखने को मिल जाएगा। फ्यूज के बाद में जो हमारा ईसीएम टू का फ्यूज है उसमें आपको लाल के ऊपर काला देखने को मिलेगा, और ईसीएम वन जो हमारा फ्यूज है उसमें आपको लाल के ऊपर सफ़ेद कलर देखने को मिल जाएगा। तो इतना कोई खास मुश्किल ये डायग्राम नहीं है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी में कहाँ प्रॉब्लम है। चलिए हम 5 सेकंड रुकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के, पर तब तक हमेशा खुश रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।